वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे जी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे जी एनिमल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल है वो, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है जी, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स है वो, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि अलग अलग जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर जो रेस्पिरेशन का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है जी। एग्जाम्पल में लिखोगे आप पहला, इन सिंपल यूनिसेलुलर, ठीक है जी, एनिमल्स आपको करवाए गए। यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, अमीबा वगैरह के बारे में बता रखा है। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं लाइक अमीबा, ठीक है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन, इसका मतलब देखो जी कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं लाइक अमीबा वगैरह में जो रेस्पिरेशन होती है, आपको पता है यूनिसेलुलर एनिमल्स में एक ही सेल होती है, ना कोई स्पेशल ऑर्गन होता, आपने पढ़ा भी था पिछली बार। ठीक है जी, तो जब इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता तो इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, जो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डिफ्यूजन होता है कि कोई भी चीज़, आपको पहले भी लिखवाई गई डिफ्यूजन की डेफिनेशन कि हाइयर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन के ऊपर किसी चीज़ का चलना है डिफ्यूजन कहलाता है। ऑफ गैसेज, गैसेज का डिफ्यूजन होगा थ्रो, कहाँ से होगा जी, सेल मेम्ब्रेन का। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि जो रेस्पिरेशन होता है अमीबा में वो किसके थ्रू होता है, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होता है जी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा जी, द एनिमल्स लाइक, द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स का मतलब हो गया है केंचुए वगैरह जो होते हैं, ठीक है जी, विच लिव इन सोइल, जो सोइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं जी, यूज देयर स्किन, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी ओ टू का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म जो केंचुए वगैरह होते हैं ये सोइल से के अंदर रहते हैं और ये यूज़ करते हैं जी किसका, स्किन का। ये याद रखिएगा, अर्थवर्म जो होते हैं वो किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन की हेल्प से, और अमीबा में किसकी हेल्प से होता है जी, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प की तरह हेल्प से होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो यहाँ पर। सो रेस्पिरेशन ऑर्गन इन अर्थवर्म्स इज स्किन, क्या होता है जी उनके अंदर रेस्पिरेशन ऑर्गन स्किन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो आपके वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे फिश वगैरह होगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट, द एक्वेटिक एनिमल, द एक्वेटिक एनिमल लाइक लाइक फिश, ठीक है जी, एटसेट्रा हैव गिल्स, हैव गिल्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एक्वाटिक एनिमल होता है, एक्वाटिक एनिमल का मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे फिश वगैरह होती है, इनके अंदर क्या होता है जी, ये गिल्स को यूज करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ। ठीक है जी, विच एक्सट्रैक्ट, गिल्स क्या हेल्प करते हैं इनकी, विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजोल्ड इन इन वाटर एंड टेक अवे या टेक आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जी, इनके अंदर गिल्स होंगे, गिल्स क्या कर सकते हैं जी, ये डिजोल्ड ऑक्सीजन को ही कर पाते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो उसी ऑक्सीजन को ले पाते हैं। अब इसी कारण क्या होता है जी, अगर हम फिश वगैरह को बाहर निकालते हैं वाटर वगैरह से, तो जो हवा में एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन है वो उसको गिल्स उसको नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जी हम। कुछ एक इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े वगैरह जो होते हैं, इन इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर कॉकरोच से हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब जो घरों में मक्खी होती है, एंड मस्कीटो चाहिए, मस्कीटो दे हैव टीनी होल्स, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जी, दे हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, कॉल्ड स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर बॉडी एंड एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रीकिया, TRACHEA ट्रीकिया, ई ए आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका मतलब समझिएगा जी, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े वगैरह जो होते हैं, ग्रास ऊपर देखा होगा आपने, कॉकरोच देखा होगा, फ्लाई देखी होगी, मस्कीटो देखी होगी, इनके ऊपर टीनी होल्स होते हैं जी, टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी होल्स का मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको कहा जाता है स्पाइरेकल्स। क्या कहा जाता है जी, स्पाइरेकल्स। ठीक है, एंड एक एयर ट्यूब होती है जिसको क्या कहा जाता है जी, जिसको कहा जाता है आपका ट्रैकिया। ठीक है, तो ये होते हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि अगर मॉस्किटो वगैरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताओ, तो बता देना जी ट्रैकिया या स्पाइरेकल्स होते हैं जी, टीनी होल्स भी होते हैं, ट्रैकिया भी होता है। ठीक है, तो ये था आपका जी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक और बच गए आपके एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, पहले हमने यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने पढ़ा जी ये अर्थवर्म वगैरह के बारे में, फिर आपने पढ़ा फिश वगैरह के बारे में। ठीक है जी, फिर आपने पढ़ा है ये जो इंसेक्ट वगैरह के बारे में, एक और बच गया आपका, उसके बारे में लिखो पांचवा पॉइंट।
द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल। लैंड एनिमल्स का मतलब जो आपके जमीन वगैरह पर रहते हो, सच एज, जैसे हो सकता है मैन, ठीक है जी, बर्ड्स, ठीक है, लिजर्ड, डॉग एटसेट्रा, ठीक है जी, एटसेट्रा है वो। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल्स सच एज, ये हो गया, ठीक है जी, आर द लंग्स। इन सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन होते हैं जी? लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन फ्रॉग एक अलग बच गया आपका, तो फ्रॉग के बारे में नोट डाल के लिखो जी, फ्रॉग के लिए स्पेशली। फ्रॉग को क्या होता है, फ्रॉग आप जमीन पे भी रह सकता है, वाटर में, दोनों में रह सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर है फ्रॉग कहाँ से ब्रीथ करते हैं, तो लिखोगे फ्रॉग ब्रीथ, फ्रॉग ब्रीथ बोथ बाय लंग्स एंड स्किन। ये दोनों की हेल्प से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लंग्स की हेल्प से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसीलिए दोनों जगह पे रह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, अलग अलग एनिमल्स के बारे में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ठीक है। अब हम कुछ एक करेक्टिक्स पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनकी क्या करेक्टिक्स है। मान ली बात अलग अलग होता है, लेकिन क्या खास बात क्या होती है जी इनकी, ठीक है। तो कुछ एक तो खास बात रहेगी, तभी तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या खास बातें रहेंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो लिखोगे जी आप। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थ्री कॉमन फीचर्स, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑर्गन्स हैव थ्री कॉमन फीचर्स। किसी का भी हो, चाहे किसी का स्किन हो, चाहे किसी के लंग्स हो, कुछ भी हो, उनके अंदर तीन कॉमन फीचर्स तो ये मिले ही मिलेंगे। कौन कौन से लिखो, पहला पॉइंट, नेक्स्ट रहेगा आपका ये पॉइंट, ठीक है जी। इसके अंदर हम लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका रहेगा, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव ए लार्ज एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ऑल द रेस्पिरेटरी, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है जी, लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा उनका। एरिया क्या मिलेगा आपको, लार्ज। क्यों मिलेगा लार्ज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो गेट कर सके जी, टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट करने के लिए उनके अंदर लार्ज का एरिया मिलेगा। दूसरा क्या होगा जी, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स, थिन वॉल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ जी, एक तो सब उसका एरिया लार्ज मिलेगा, क्योंकि जितना लार्ज एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को गेट कर सकता है जी। और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो उनकी वॉल्स क्या मिलेगी, हमेशा थिन, क्योंकि थिन वॉल होगी तभी तो गैस जो बाहर से आ रही है वो अंदर आ पाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरी करेक्टिक्स मिले ही मिलेगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीन कॉमन फीचर बताओ क्या क्या होंगे, चाहे करेक्टिक्स पूछ ले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो ये तीन फीचर तो आप किसी में भी लिख सकते हो जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है जी,
कुछ भी हो, चाहे लाइक स्किन हो चाहे गिल्स हो, ठीक है जी, हैव रिच ब्लड सप्लाई, उनमें हमेशा ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि जो ब्लड अंदर आए, ब्लड में तो ऑक्सीजन डिजोल्व होनी है, आप जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं ये आपकी ब्लड में ऑक्सीजन हो जाती है मिक्स, जिसके कारण डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, फिर वो सेल के पास जाता है, सेल वहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेती है और फिर आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, वहाँ से वापस से आपके लंग्स के अंदर आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनकी ब्लड सप्लाई क्या होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए जी। क्यों होनी चाहिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग, फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर एक रिच होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए जी। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप यहाँ तक आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे जी, एक नोट डाल के एक बात और लिखोगे, एक होती है जी आपकी ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो ब्रीथिंग रेट किसकी ज़्यादा होती है, लैंड एनिमल की ज़्यादा होती है कि एक्वेटिक एनिमल की ज़्यादा होती है, ये बात नोट डाल के आप लिखो। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रीथिंग रेट किसकी ज़्यादा होती है, लैंड एनिमल की या एक्वेटिक एनिमल की, तो लिखोगे आप द रेट ऑफ ब्रीथिंग, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल, इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन, इज मच फास्टर देन इन टेरिस्ट्रियल एनिमल। टेरिस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं जी? टेरिस्ट्रियल एनिमल लैंड एनिमल को ही कहा जाता है जो जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कह दो या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, लैंड एनिमल्स भी लिख लो आप, ठीक है। किसकी ज़्यादा मिलेगी आपको? आपको एक्वेटिक एनिमल की ब्रीथिंग रेट ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनकी। क्यों मिलेगी? तो लिखोगे बिकॉज जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स एक्सट्रैक्ट डिजोल्ड ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन डिजोल्व करते हैं जी, कौन सी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं ये डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल, एंड अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर इज लो। जो वाटर के अंदर अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो थोड़ी कम होती है, हेंस दे फास्ट देयर ब्रीथिंग रेट, इसीलिए वो अपना क्या कर लेते हैं जी, ब्रीथिंग रेट फास्ट कर लेते हैं। जैसे आप रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो कहीं पे, ब्रीदिंग रेट दौड़ रहे हो तो आपकी सांस तेज चलने लग जाती है। क्यों चलने जाती है? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा करेगी तो वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा लेगा। ऐसे ही इनको होता है, एक्वाटिक एनिमल को ऑक्सीजन तो ज़्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन होती पानी में कम है डिजोल्व, इसलिए वो क्या कर लेते हैं अपना ब्रीदिंग रेट है हाई कर लेते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल में किसका आपका ज़्यादा मिलेगा? आपका टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी, तो थैंक यू, आज इतना ही। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें जी, शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ साथ है एक चीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी भी आपको नज़र आई तो वो भी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।